नमस्कार, केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रतिया मऊ थाना गोसाईगंज में गुटीय संघर्ष में एक की हालत गंभीर। आइए सुनते हैं पीड़ितों की कहानी, उसी की जुबानी। हमारे लखनऊ ब्यूरो राकेश कुमार की रिपोर्ट। इस घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है और मामले को पंजीकृत कर लिया गया है। राकेश रावत की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना में दो लोगों को पुलिस ने पहले नाम बताओ अपना। गोविंद। गोविंद, ये झगड़ा कैसे हुआ? सर, हमारे पापा यहाँ बाद में लोग हमें मम्मी को घेसे थे शाम को, उसके बाद में हमारे चाचा लोग बैर कर रहे थे, आए यहाँ पर, उसके बाद नहीं तो छोड़ चले गए। प्रधान जी से, इनके प्रधान की वो हैं, सब काम हम करते हैं, इसीलिए इनसे कहा, इसीलिए इनसे कहा कि हमारे देखो खेत में लड़ी हुई रही है, इनको मारेंगे, कोई बोला नहीं। तो प्रधान ने कहा कि चलो ठीक, हम थोड़ा रात पलर में रात में, तो उसके बाद में हमारे पापा यहाँ लेटरिंग करने आए, उसके बाद में प्रधान जो है कहीं जाओ मुआवजा करके, बस यहाँ पर पापा को भूत मारे, उसके बाद प्रधान कहें कि जाओ मुआवजा, अगर कोई कुछ बोले तो उनकी गोली मार देंगे। और FIR सब लिख चुकी है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और दो लोग को चालान कर, पुलिस ने कितने लोग गिरफ्तार किया है? पुलिस ने दो लोग को, राम डोरी को, शारदा को गिरफ्तार किया है, उसके बाद कोई सब गांव में और सब लोग फरार चल रहे हैं, और सब फरार हैं, उसके बाद गांव में घूम रहे हैं, कोई पुलिस नहीं आ रही यहाँ पे, हम लोगों को खतरा है। उसके बाद जब हमारे पापा को तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद में जो 112 को डायल किया तो बहुत देर में 112 आई है, यहाँ पर हमारे पापा खटिया बुला के लेकर के हम लोग गए थे। अभी आपके पापा कहाँ है इस समय? पापा रामा सेंटर में खोली, मेडिकल कॉलेज में है। ठीक, हाँ नाम बताइए अपना। मेरा नाम रेशमा है और जो वहाँ पे भर्ती है वो मेरे पापा हैं। अच्छा, आपके पापा हैं? मेरे पापा हैं। इन लोग ने मेरी मम्मी को एक दिन पहले शाम को मारा गिरदारा है। उसके बाद में मम्मी घर पर कोई नहीं था, चाचा लोग खेत में रहा है, जब चाचा लोग आए इन लोग की शांत हो गई, फिर नहीं मारी। उसके बाद पापा हमारे यहाँ लैटरिंग आए हुए थे और बोले कि बस इतना ही बोले कि आप क्यों हमारी वाइफ को, मतलब हमारे लिए गिरदारा हो, तो मतलब ऐसे ही पकड़े थे। तो इन लोग ने रात में सब लोग मिलकर संगठन बनाए हुए थे रात में, और जो एक लोग और थे बुधाई जिसका नाम है, उसी ने बोला कि चले आओ शारदा और राजेश, देखो माँ उनके राजेश को, शारदा को डोरी राजेश को मार डाल रहे हैं, ऐसे बोले। उसके बाद में मेरे पापा यहाँ थे, पीछे से आए, कपड़े में मार दिए, पूरी कपड़ी फाट गई, और प्रधान ने खड़े खड़े मरवाया है, कहें कि जो आप मारो जाके, अगर बच जाएंगे इनके हम गोली से ना मार दिया भाई, ऐसे हम कहें। उनकी जैसे से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, 4-5 दिन हो गई है। अच्छा, कोई बंद नहीं, थाने पर कोई बंद नहीं है अभी तक? कोई नहीं था, अगर भागे भागे, फिर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। FIR लिख गया है? FIR लिख गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। चलो, दो लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है अभी, अमिता, ये जो मारपीट हुआ कैसे हुआ है? अरे सर, एक दिन पहले तो माटी के झगड़ा हुआ था, तो मतलब मेहरिया तो शांत हो गया था, उसके बाद सुबह ही जब तलाए आए तो हिया मारे, तो हम लोग सो रहे थे, जब देखे तो सब मारे मार के जा रहे थे, जब हमारा आदमी यहाँ पर था तो हम मेरे मन तो वहीं उठाने आए, तो उल्टे पड़े थे। तो आप लोगों ने बताया नहीं, गांव में जाके बताया नहीं कि वहाँ पे झगड़ा हुआ है? चिल्ला रहे, जबा रहे, खड़े हैं, कोई उठा रहा है, किसका बुलाओ जी, जबा रहे हैं, कोई नहीं, सब दिवैया तो मेहरिया मन सब मेहरिया उठा के ले गए थे। अच्छा अच्छा, और कोई नहीं कि मेरा मालिक के ला हम ही उठवा ले, कोई नहीं आवा लगे, और प्रधान लोग सब लोग वहाँ थे, खड़े खड़े देख रहे थे कि हमारे। अच्छा, कितने टाइम हुआ था झगड़ा? लगभग 5-6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच में। चलो ठीक, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबर लेकर। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।